आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन में बोल रखा है कि वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी हमारे तीन वेक्टर हैं, सच दैट वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड 2 है, ठीक है। एंड वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल पाई बाय 3 है, वेक्टर बी और वेक्टर सी के बीच का भी एंगल वही है, और वेक्टर सी और वेक्टर ए के बीच का भी एंगल पाई बाय 3 है। तो वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप पूछा है, जिसका एजेज हमारे एडजेसेंट एजेज क्या है, 2a वेक्टर, 3b वेक्टर और 4c वेक्टर। तो देखो इसको यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे हमें क्या बोला है, ये हमारा वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप पूछा है। तो अपन जानते हैं वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप हमारा क्या होता है, बॉक्स ऑफ ए बी सी, ये अपन को पता है। अब देखो इन्होंने क्या बोल रखा है, तो हमें बोल रखा है कि वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप बताओ जिसका हमारा काउंटर माइनस एजेज यानी कि एडजेसेंट एजेज बोलो, वो हमारा क्या है, 2a वेक्टर, 3b वेक्टर और 4c वेक्टर, ठीक है। तो इसका बॉक्स करना है। अब देखो ये हमारा क्या होता है, एक तरह से डिटर्मिनेंट होता है, जिसका फर्स्ट रो हमारा 2a वेक्टर है, सेकेंड रो 3b वेक्टर है और थर्ड रो 4c वेक्टर है। तो अपन क्या कर सकते हैं, 2 को बाहर ले सकते हैं, फिर 3 को बाहर कॉमन लेंगे, ठीक है, और 4 को भी बाहर ले लेंगे। तो अंदर क्या बचा हमारा, ए वैक्टर, बी वैक्टर और सी वैक्टर बॉक्स में, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 6 × 4 डैट इज यहाँ पे 24, तो 24 टाइम्स वैक्टर ए, वैक्टर बी, वैक्टर सी का बॉक्स लिखा हुआ है ये, ओके। तो ये हमारा रिक्वायर्ड वॉल्यूम आ जाएगा पैरेलल पाइप का, ओके। अब देखो इन्होंने क्या दे रखा है, तो यहाँ से अपन देखें तो हमें क्या मिलेगा, ये 24 और ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लिखा हुआ है, ओके। यानी कि हमारा जो वॉल्यूम होता है वो हमारा मैग्नीट्यूड में अपन लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ दिस लिखा हुआ है बेसिकली, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ दिस बोलो, ठीक है। तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ दिस, ओके। तो यहाँ से हमें क्या मिला, 24 का मैग्नीट्यूड 24 ही रहेगा, इसका मैग्नीट्यूड करो तो ये हमारा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए डॉट बी क्रॉस सी, ओके, इसका मैग्नीट्यूड लिखो। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, तो ये हो जाएगा 24 × तो ये हमारा क्या, चलो इसको एज इट इज अपन रखते हैं, ठीक है, इसको मैं एज इट इज रखता हूँ। तो बॉक्स ऑफ ए बी सी एज इट इज हमने रखा। हमें देखो अब चाहिए क्या, अगर मेरे को वॉल्यूम, रिक्वायर्ड वॉल्यूम चाहिए तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, बॉक्स ऑफ ए बी सी चाहिए होगा। तो अपन क्या करते हैं, अपन जानते हैं कि बॉक्स ऑफ ए बी सी का अगर होल स्क्वायर अपन लिखे तो वो हमारा क्या होता है, तो ए डॉट ए, ठीक है, फिर क्या होता है, ए डॉट बी, ए डॉट सी, फिर यहाँ पे बी डॉट ए, बी डॉट बी, ठीक है, और ये हमारा होता है बी डॉट सी, ओके। सिमिलरली यहाँ पे हमारा क्या होता है, सी डॉट ए, ठीक है, तो सी डॉट ए, सी डॉट बी, सी डॉट सी, ठीक है, तो ये हमारा होता है। तो यहाँ से अपन देखें तो ए डॉट ए, ए डॉट ए का मतलब क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, तो ये हमारा क्या हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, ठीक है, ए डॉट बी, और ये हो जाएगा ए डॉट सी, ठीक है, बी डॉट ए, और यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर, और ये बी डॉट सी, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, सी डॉट ए, सी डॉट बी, और ये लिखा हुआ है मैग्नीट्यूड ऑफ सी का स्क्वायर, ठीक है। तो इसका हमें डिटर्मिनेंट निकालना है, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए हमें दे रखा है 2, मैग्नीट्यूड ऑफ बी भी 2, मैग्नीट्यूड ऑफ सी भी 2 दे रखा है, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ से, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर डेट इज 4, ए डॉट बी का मतलब क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और दोनों के बीच का एंगल कॉस थीटा मान लो, ठीक है, कॉस थीटा 1 मान लो, तो कॉस थीटा हमें दे रखा है पाई बाई 3 के इक्वल, तो यहाँ पे पाई बाई 3 ही रख दो, तो ये हो जाएगा पाई बाई 3, ठीक है। अब देखो ए डॉट सी का मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ सी, ठीक है, और यहाँ पे दोनों के बीच का एंगल हमें पाई बाई 3 दे रखा है, ठीक है। अब मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और ये फिर से हो जाएगा कॉस पाई बाई 3, ठीक है, और ये हमें क्या दे रखा है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी 2 है, तो 2 का स्क्वायर 4, सिमिलरली यहाँ पे ये हमारा हो जाएगा, ठीक है, कॉस पाई बाई 3, ओके। अब सिमिलरली यहाँ पे अपन लिख सकते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा कॉस पाई बाई 3, क्योंकि सबके बीच का एंगल हमें पाई बाई 3 दे रखा है, ठीक है, तो ये हमें हो जाएगा, ठीक है, कॉस पाई बाई 3, और मैग्नीट्यूड ऑफ सी का स्क्वायर यानी कि 4, ठीक है, तो यहाँ पे 4 लिख देता हूँ। तो इसका डिटर्मिनेंट हमें निकालना है, ओके। अब देखो यहाँ से हमें क्या मालूम चला, तो यहाँ से अगर अपन इसका डिटर्मिनेंट यानी कि सबसे पहले वैल्यू लिखे, तो ये हमारा क्या लिखा हुआ है, 4, ठीक है, सबका मैग्नीट्यूड 2 है, तो 2 × 2 डेट इज 4, कॉस पाई बाय 3 हमारा क्या होता है, 1/2, तो 4 × 4/2 डेट इज 2, ठीक है, तो ये भी हमारा 2 हो जाएगा, सिमिलरली ये भी 2, ये 4, ये 2, ठीक है, ये 2, 2 और ये 4, ये वैल्यू आ गया हमारा। तो यहाँ से अपन देखें तो क्या मिला हमें, इसको एक्सपेंड करो, तो 4 के बाद एक्सपेंड करता हूँ, तो 4 × 4 डेट इज 16, -2 × 2 डेट इज 4, ओके, -2 के अबाउट एक्सपेंड करो, तो 2 × 4 डेट इज 8, -2 × 2 डेट इज 4, ठीक है, +2 के अबाउट एक्सपेंड करो, तो क्या हो जाएगा हमारा, 2 × 2 डेट इज 4, ठीक है, और -2 × 4 डेट इज 8, ठीक है। तो यहाँ से अपन देखें क्या हो जाएगा, 16 − 4 डेट इज 12, 12 × 4 डेट इज 48, ठीक है, 8 − 4 डेट इज 4, 4 × 2 डेट इज 8,
ठीक है, और ये जाएगा माइनस फोर, डेट इज माइनस एट। ठीक है, तो यहाँ से अपन देखें तो क्या मिला हमें, 48 माइनस 16। ठीक है, तो ये वैल्यू किसके इक्वल आ गई, तो यहाँ से अपन देखें तो ये 2413 यानी 32। तो ये हमारा आ गया बॉक्स ऑफ ए बी सी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बोलो। ठीक है, तो ये मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आ गया हमारा 32 के इक्वल। ओके, तो यहाँ से अपन देखें तो बॉक्स ऑफ ए बी सी का मैग्नीट्यूड आ जाएगा अंडर रूट 32 प्लस माइनस में। ठीक है, लेकिन ये हमारा वॉल्यूम देता है तो वॉल्यूम हमेशा पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पे अपन डायरेक्ट सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू को कंसिडर करेंगे। ठीक है, यानी कि अंडर रूट 32 को। ओके, तो ये हमारा क्या गया, अंडर रूट 32। तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं 24 इंटू अंडर रूट 32। ठीक है, अब इसको मैं क्या लिखूंगा, तो ये हमारा हो जाएगा 24 इंटू 4√2। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा फिर, 96 अंडर रूट 2, 96 अंडर रूट 2 क्यूबिक यूनिट, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।